अरे बस करो बंदिता, ये जो तुम जानबूझकर बीमार हो रही हो ना, सब समझ रहा हूँ मैं। मैं मानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन इस तरह से दिखाओगी अपना गुस्सा, इस तरह से दिखाओगी अपनी नाराजगी, मैं दिखाऊं अपना गुस्सा बंदिता, बताऊ कितना गुस्सा हूं मैं। मैं वहां ब्रह्मो समाज के समारोह के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, पल पल घड़ी देख रहा हूँ कि अब पौंडता आएगी, अब पौंडता आएगी, लेकिन पौंडता आई ना। अगर नहीं आ पाई तो जरूर कोई कारण होगा कि पौंडता नहीं आ पाई, कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से पौंडता नहीं आ पाई। तो मजबूरी क्या थी? पौंडता को बुखार था, बुखार आया नहीं, लाया गया था ये इन कुल्फियों को खाकर, इतनी सारी कुल्फियां खाकर। पौंडता, तुम जानती हो मैंने ब्रह्मो समाज के प्रमुख नेता से क्या कहा? मैंने कहा था आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, मेरी पत्नी पौंडता तुलसीपुर की विद्यालय जाने वाली पहली लड़की पौंडता बाकी लड़कियों को, बाकी औरतों को प्रोत्साहन देने के लिए जरूर आएगी, वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या किया पौंडता ने, वहां सबके सामने, सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। और ये इतने दिन से जो तुम विद्यालय नहीं जा रही हो, जानती हो कितना नुकसान हुआ है पढ़ाई का? कल्पना है तुम्हें, पर नहीं तुम्हें तो कुल्फियां खाने का नुस्खा किसने बताया पौंडता? कुल्फियां खाना, झूठ बोलना, ये तुम अपने मन से करती हो या कोई तुम्हारे कान भर रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं पौंडता। इसीलिए खा रही थी संपूर्ण नामा। एक मिनट, आज मत रुकिएगा प्लीज, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि पौंडता ये झूठ बोलने की आदत कहां से सीख रही है। पौंडता, ऐसे तो तुम्हारे पास हमेशा तर्क तैयार रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो अब बताओ ना, अब क्यों तुम्हारे जुबान पर ताला लग गया? जब सच बोलने की बारी आई तो पौंडता चुप बैठ गई। पौंडता जानबूझकर बीमार क्यों पड़ रही थी तुम? क्यों इतनी सारी कुल्फियां खाई? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अनिरुद्ध, बंद भी करो अपने ये प्रश्न दागना, तुम्हारी कचहरी नहीं है ये, हमारा घर है। अरे जरा देखो तो इस बेचारी बच्ची की तरफ दिखाई नहीं देता तुम्हें? जिसके हंसने से हमारी पूरी हवेली खिलखिलाती थी, आज ऐसा लगता है जैसे उस बेचारी की मुस्कान किसी ने छीन ली हो। अनिरुद्ध, दिखता नहीं तुम्हें बहू का मुरझाया हुआ उदास चेहरा? हम तो कहते हैं ना विद्यालय जाना और ना ही घर का काम, 2 दिन तक सिर्फ छुट्टी बहू के लिए। छुट्टी? हाँ छुट्टी। अरे 2 दिन बाद सरस्वती पूजा भी है और हम चाहते हैं कि बहू आराम से, पूरी तसल्ली से सरस्वती पूजा की तैयारी करे, बस। काका, आराम से, पूरी तसल्ली से सरस्वती पूजा की तैयारी घर की बड़ी बहू संपूर्णा माँ भी कर सकती है। पौंडता विद्यालय जाएगी, उसकी परीक्षा आने वाली है। बिल्कुल नहीं, प्राण दे देंगे अनिरुद्ध इससे पहले कि हमारी सरस्वती पूजा में इसने हाथ भी लगाया। तुम चाहो या ना चाहो, सरस्वती पूजा हमारी बहू के हाथ से ही होगी। मैं अब समझा काका कि पौंडता जवाब क्यों नहीं दे रही थी। क्यों? ताकि वो बीमार होकर घर पर बैठी रहे, ताकि पौंडता को विद्यालय न जाना पड़े। पर बहू ऐसा क्यों चाहेगी? बहू ऐसा नहीं चाहेगी काका। तो ऐसा बहू के काका ससुर जी चाहेंगे। आप चाहते हैं कि पौंडता
घर पर रहे, घर के सारे काम करे, वो सारे काम करे जो एक बहू को करने चाहिए, ताकि ताकि संपूर्णा माँ को कामना कर सके और आप संपूर्णा माँ को नीचा दिखा सके। अनिरुद्ध, कह रही है हमारी बहू। अनिरुद्ध, तू ना बदल गया है बिल्कुल। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी बहू नहीं बदली। पीतल को चाहे जितना भी रगड़ लो, पर वो कभी सोना नहीं बन सकता, और सोने की चाहे जितनी भी घिसाई कर लो, उसकी चमक और बढ़ती ही जाएगी। देख, क्या तू ब्राह्मो समाज के समारोह के लिए यही से गई थी ना? हाँ, पर देख जहां तेरी छाया पड़ी, क्या हुआ है वहां? देख, ये तुलसी तो मुरझा गई है। वो तुलसी जिसकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं, जो शुभ और पवित्र होती है, अगर वो तेरी छाया पड़ने से मुरझा गई, तो सोच अगर तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो क्या होगा उनके साथ। मोदिता, तो क्यों नहीं समझ रही है? ये रोग बहुत दुष्ट है और इस रोग का श्राप यही है कि अगर तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो वो भी शिकार हो जाएगा किसी प्राणलेवा बीमारी का। तू चाहती है तेरे पति बाबू, ससुर जी या काका ससुर जी किसी के साथ ऐसा हो? तो जा, अभी सबको सब कुछ बता दे जाके, जा। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। अब आप जो जो कहेंगे वही करूंगी मैं संपूर्णा माँ। लेकिन संपूर्णा माँ ऐसा करा दो, ये रोग जल्दी चला जाएगा ना मुझे छोड़कर? बिल्कुल चला जाएगा। बस इस रोग का श्राप अगर हटाना है तो सब्र रखना होगा। इससे पहले कि किसी पे तेरी छाया पड़े, जा जल्दी जा अपने कमरे में, जा। हमने अनिरुद्ध बाबू और बॉन्डिता के बीच में दीवार तो बना दी, पर अब हमें जमींदार त्रिलोचन और बॉन्डिता के बीच में दीवार नहीं, खाई बनानी है। बॉन्डिता को एक एक करके हर उस अपने से दूर करना होगा जिससे उसे ताकत मिलती है। चाहे इसके लिए हमें कोई भी भाव खेलना पड़े, सरस्वती पूजा की आरती तो तू ही करेगी संपूर्णा। काश बॉन्डिता ने मेरा साथ दिया होता वजह उस त्रिलोचन जमींदार के, तो आज दोनों सास बहू मिलकर राज करते इस हवेली पर। नहीं, उसने तो मेरे दुश्मन को चुना, और मेरे लिए दुश्मन का दोस्त वो भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। जो चोट मैं त्रिलोचन जमींदार को पहुंचाऊंगी, उसका दर्द बॉन्डिता को भी भुगतना होगा, और
उसने ये तकलीफ खुद चुनी। संपूर्णा, आप दुख के बारे में नहीं सुख के बारे में सोच और अच्छी तरह से समझ ले। संपूर्णा, कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए। बोंदिता को अपने रास्ते से हटाने का। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। ऐसा लग रहा है बोंदिता, जैसे उम्र बीत गई है एक साथ मुस्कुराए हुए। जाने क्या हो गया है हमारे बीच। क्यों इतना भी विश्वास नहीं रहा तुम्हें मुझ पर कि मुझे बातें बताने के बजाय बातें छुपा रही हो मुझसे। कोई तो वजह होगी बोंदिता तुम्हारे इस बर्ताव की, पर क्या? ये तो बोंदिता की लिखावट है। उस चिट्ठी में सब लिख दिया था मैंने। बाबू, आपको पता है बहुत बुरी बीमारी हो गई है मुझे। खून? ये बुरी? मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले से साफ रहा हमारे बीच। पहले जैसे हम साथ हंसते थे, बातें करते थे, पहले जैसे विश्वास करा मुझ पर। क्योंकि सब कुछ खोकर जी सकती है बोंदिता, पर आपके विश्वास और भरोसे को खोकर नहीं। विशेषण तो बोंदिता, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी चीज या किसी इंसान का वर्णन दें, उनका विवरण करें। जैसे बुद्धू जैसे समझदार बोंदिता। तो यहाँ समझदार शब्द बोंदिता के गुण की बात कर रहा है, तो समझदार हुआ विशेषण और बोंदिता यानी तुम। समझी? ये तुम्हारे पति बाबू का वर्णन कैसे कर रहा है बोंदिता? जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है, तब चाहे कहीं भी हो आप, मेरे सोचते ही हमेशा मेरे पास आ जाते हैं आप। ऐसे पति बाबू, जब इस टेलीफोन की घंटी बजती है तो दो लोग
से ये आपस में बात कर पाते हैं क्योंकि इसके तार जुड़े होते हैं दूसरे से, पर मेरे और आपके बीच में तो बिना तार वाला जुड़ाव है। पर आपको कैसे पता चलता है कि मुझे जरूरत होती है आपकी? पता चलता है क्योंकि यहाँ भी घंटी बजती है बोंदता, वहाँ नहीं। जब भी तुम मुझे याद करती हो या तुम्हारा मन करता है कि काश पति बाबू यहाँ होते, तो मेरे मन से एक आवाज आती है। और वो आवाज क्या कहती है? तो कहती है, जान ले बोंदता तुझे बुला रही है। जरा पास आइए पति बाबू। बोलो। हाँ पति बाबू, सुनाई दे रही है आपकी मन की टेलीफोन की घंटी। बस इस टेलीफोन की टिंग टिंग बजती है और आपके दिल की ठक ठक ठक। बहुता, वो जो धक 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 आवाज आ रही है ना, उसे दिल की धड़कन कहते हैं, घंटी नहीं, समझी? तुम्हारे दिल से भी बिल्कुल वैसी आवाज आती है। डांटने या तुम पर गुस्सा करने नहीं आया हूं, तुमसे बात करने आया हूं बोंदता। जानता हूं बड़ी हो रही हो, समझदार हो रही हो, सही और गलत में फर्क समझने लगी हो, इसीलिए बोंदता मैं चाहता हूं कि तुम फिर एक बार सही की राह चुनो। बोंदता, जानती हो तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हारी मंजिल है बैरिस्टर बोंदता रॉय चौधरी बनना, बैरिस्टर बाबू बोंदता बनना। और बोंदता, उस मंजिल के और करीब जाने के लिए किताबें ही तुम्हारा साथ दे सकती हैं ना, इसीलिए तुम्हारी किताबें लाया हूं। जब आंखों पर पड़ी पट्टी हट जाए और साफ साफ दिखने लगे कि भराई किसमें है, तो किताबें उठाकर पढ़ाई शुरू कर देना। इसीलिए तुम्हारी किताबें छोड़कर जा रहा हूं, यहां तुम्हारे बिस्तर पर, देख लेना। और बोंदता, एक और बात, मैं चाहे तुमसे नाराज रहूं, गुस्सा रहूं, खुश रहूं, ना खुश रहूं, चाहे कुछ भी बात, पढ़ाई के मामले में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मन में कोई भी सवाल आए, कोई भी शंका आए, कोई प्रश्न उठे, दिन का चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह हो या रात हो, आधी रात क्यों ना हो, बोंदता तुम मेरे पास आ सकती हो। उम्मीद करता हूं तुम सही की राह ही चुनोगी। पड़ी तो वो भी शिकार हो जाएगा किसी प्राणलेवा बीमारी का। तू चाहती है तेरे पति बाबू, ससुर जी या काका ससुर जी, किसी के साथ ऐसा हो? तुम्हारी मंजिल है बैरिस्टर बोंदता रॉय चौधरी बनना। आंखों पर पड़ी पट्टी हट जाए और साफ साफ दिखने लगे कि भराई किसमें, तो किताबें उठाकर पढ़ाई शुरू कर देना। मैं जानती हूँ पति बाबू, आपको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं
नहीं पढ़ूंगी, पर मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.